तो कैसे हो यारों, क्या हाल चाल? स्वागत है आपका वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं कठपुतली मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, वर्थ है कि नहीं इसको देखना। ओरिजिनल मूवी के साथ भी कंपेयर करके बताऊंगा कि मतलब कौन सी मूवी बेटर है, ये वाली या वो वाली। क्या अच्छे से रीमेक किया गया है इसको, जो एक रीमेक वाली चीज़ है। देखो पहली बात तो रीमेक है, तो अच्छे से रीमेक किया गया तो अच्छी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें हैं, हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो देखो भाई, इसकी स्टोरी जो है ना अर्जुन की है। तो अर्जुन जो है एक राइटर है और वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की स्टोरी लिख रहा है, जिसमें एक मर्डर मिस्ट्री है और उसमें एक साइको किलर है, ऐसा कुछ उसने स्टोरी लिखा हुआ है। उस स्टोरी के लिए 7 साल से वो साइको किलर्स को स्टडी कर रहा है, उसके अराउंड सारी चीज़ें उसको पता है, जितना सब कुछ पास्ट में हुआ है, सारे रिपोर्ट्स को अपने बना करके रखा हुआ है। उसके बेसिस पर उसने अपनी एक स्टोरी रेडी की है, मूवी बनाना चाहता है, लेकिन उसकी मूवी नहीं बन पाती है। वो अलग अलग डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करता है, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती है। और जब वो 7 साल के स्ट्रगल के बाद भी वो नहीं बना पाता है मूवी, तो हार करके पुलिस ज्वाइन कर लेता है। अब पुलिस में जाने के बाद उसको जाते ही सबसे पहले पाला पड़ जाता है एक साइको किलर से, जो कि रास्ते पर चलती हुई लड़कियों को किडनैप कर लेता था। जो लोग स्कूल से आ रही होती हैं उनको किडनैप करके और उनको बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर करता था, बहुत ज़्यादा मारता था और बहुत ही ब्रूटली उन लोगों के साथ टॉर्चर करके उन सबको मार करके पब्लिक प्लेसेस में छोड़ देता था। और वो जो था ना किलर, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, इतने स्मार्टली मर्डर करता था कि उसके बारे में कोई भी सबूत वगैरह नहीं मिल पाता था, मतलब एक भी सबूत नहीं था। अब ऐसे में पुलिस उसको ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी, पुलिस को ना मतलब एकदम कठपुतली की तरह नचारा था वो। तो ऐसे में पुलिस ढूंढ पाएगी कि नहीं ढूंढ पाएगी, अक्षय कुमार इसमें क्या वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, इस सारी इस मूवी की स्टोरी है भाई। मूवी देखो, इसकी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हो। मूवी जो है ना सस्पेंस और थ्रिल से पूरी तरह से भरी हुई है, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट, मतलब स्टोरी जो एक परफेक्ट स्टोरी जो आप इमेजिन कर सकते हो ना, वो इस मूवी की है। मतलब स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल इंगेज करके रखती है। एक के बाद एक सस्पेंस रिवील होते जाते हैं, एक के बाद एक लीड्स मिलते जाते हैं। अक्षय कुमार को उसको अप्रोच करता है, वहाँ जाता है, ऐसा लगता है कि बस अब तो किलर पकड़ा ही गया है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि उसने किलर को पकड़ भी लिया, उसको पकड़ करके अब देखो फाइनल हो गया, किलर पकड़ा गया है। अगले दिन एक और मर्डर हो गया, पता चला गलत किलर को पकड़ लिया था, असली किलर कोई और ही है। तो मतलब इतने सारे सस्पेंस, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि भाई होश उड़ा देगा आपके। तो ऐसे में आपको ये मूवी देख लेनी चाहिए, शायद नहीं, रीजन में लास्ट में बताऊंगा। अभी उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिन लोगों ने ओरिजिनल मूवी रक्षासन को देखी हुई है। तो देखो भाई, तुम लोगों ने ना एक मास्टरपीस को देखा हुआ है, मतलब बेस्ट मूवी, उसके सामने इसको कंपेयर मत करो। ऑल्दो वो उसके बहुत ही क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गई है, बहुत ही अच्छे से मूवी को बनाया गया है, हर एक चीज परफेक्ट है, लेकिन फिर भी रक्षासन वाला जो फील है ना वो नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें मिसिंग है, आपको फील हो जाती है अगर आपने ओरिजिनल मूवी देखी हुई है तो। एक एक छोटे छोटे डिटेल्स जो है उसको, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है इस मूवी में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो ओरिजिनल मूवी रक्षासन मूवी जो है उसमें एक एज वाला फैक्टर है, जिसमें कि वो जो पुलिसमैन रहता है जो उसको पकड़ रहा होता है, वो उसके एज को, जो किलर के एज को ट्रैक करता है, उससे उसको पता चलता है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी एज बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऐसा कुछ आपको याद आ रहा होगा, आपने ओरिजिनल मूवी अगर देखी हुई है तो। उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया इस मूवी में, जबकि मतलब उसको मेन लीड वहीं से मिला था कि हाँ भाई ये ऐसा वैसा डबल डबल कुछ है गेम। तो देखो ओरिजिनल मूवी जितनी अच्छी नहीं है, बट उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये रक्षासन है तो यहाँ तक पहुँच गए, बस थोड़ा सा उससे नीचे है। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर तुमको एक्चुअल में मूवी देखनी है, तुम दोनों में से कोई भी उठा करके देख लो, तुमको ज़्यादा फील नहीं होगा डिफरेंस, लेकिन फिर भी अगर तुमको एकदम बेस्ट वाली फीलिंग लेनी है ना, तो रक्षासन मूवी देख लो, वो बेस्ट है, अभी भी बेस्ट है। देखो रीमेक बनाने का मतलब तब बनता है जब आप ओरिजिनल मूवी से कुछ अलग बना सकते हो, कुछ अच्छा उसको लेवल को अप कर सकते हो, उससे बेटर बना सकते हो, और ऐसा करने की कोशिश भी की गई। क्योंकि देखो रक्षासन मूवी जो है काफ़ी कम बजट में बनी थी और इसका बजट बहुत ज़्यादा है, शायद 180 करोड़ रुपये में ये मूवी बनी हुई है। तो आपको ओवरऑल जो एक फील आने वाला है ना, वो थोड़ा इसमें बेटर आने वाला है, क्योंकि इसमें जो विजुअल्स वगैरह हैं थोड़े अच्छे हैं, और जो है थोड़ा इसको प्रोफेशनल्स ने बनाया, थोड़ा और मतलब आप समझ सकते हो ना बातों को, हाँ, तो उस तरह से किया गया है, और जिन लोकेशन पर शूट किया गया है वो भी उससे ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको एक थोड़ी अच्छी सीनरी देखने को मिल जाएगी, अच्छे विजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस मूवी में, जो कठपुतली मूवी है। लेकिन आपको अगर एक जनरल फील चाहिए, जो एक ओरिजिनलिटी होती है ना मूवी में, वो देखने के लिए आपको रक्षासन तक जाना पड़ेगा। तो मैंने तो इस मूवी को, दोनों मूवी को देखा हुआ है, रक्षासन भी देखा हुआ था, तो इस वजह से मैं अपना ओरिजिनल रिव्यू, मतलब जो होता है ना एक रॉ रिव्यू, जो फर्स्ट व्यूअर का रिव्यू होता है, वो इसका शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने रक्षासन देखा हुआ, तो स्टोरी मुझे ऑलरेडी पता था। तो देखो अब एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने कठपुतली को पहली बार देखा है, तो ऐसे इंसान से मिलता हूँ, मेरा भाई है, मेरे साथ ही देख रहा था मूवी, तो उसको बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई उसको कैसी लगी मूवी। तो ये मेरे भाई अमन है, इसने पूरी मूवी साथ में बैठ करके देखी हुई है मेरे, तो इसका ओपिनियन लेते हैं कि इसको मूवी कैसी लगी, क्योंकि इसने रक्षासन नहीं देखी हुई है। कठपुतली का रिव्यू दो भाई।
मुझे तो ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो सस्पेंस था वो अलग ही लेवल पे था, और जिन लोगों को सस्पेंस पसंद है उनके लिए तो ये मूवी बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें सस्पेंस थ्रिल बहुत ही अच्छे लेवल पे, और इसमें ट्विस्ट एक के बाद एक बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट था वो तो और भी बहुत, उसका आइडिया ही लगा सकते आप, ऐसा ट्विस्ट था। तो मतलब समझ गया ना, दोनों मूवी अच्छी है, रक्तासन भी अच्छी है, कठपुतली भी अच्छी है। अगर आप कठपुतली देखोगे तो उसमें आपको थोड़ी विजुअल्स अच्छे देखने को मिलेंगे, सेट डिजाइन और जो लोकेशन है वो अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। और वही अगर आप रक्तासन मूवी देखने जाने वाले हो तो उस वो जो है ना एकदम रॉ फीलिंग देगी आपको, एकदम ओरिजिनलिटी वाली जो फील होती है ना वो फील आपको वही मूवी देख करके आएगी। रक्तासन वो भी फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप जाकर के देख सकते हो। तो बस यही था मेरा रिव्यू, कैसा लगा कमेंट कर देना। मिलते जल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।